राधे राधे, कैसे हैं आप सब। आज हम बनाएंगे यूपी स्पेशल आलू की कढ़ी, टेस्टी। ये देखिए, इसके लिए मैंने एक आलू लिया है उबला हुआ। आप चाहे तो कच्चा भी ले सकते हैं, लेकिन कच्चा आलू पकने में थोड़ा टाइम लेगा। और एक प्याज लिया है जिसको मैं छोटा छोटा काट लिया, एक हरी मिर्ची। और ये एक कप दही था मेरा घर का जमा हुआ, जिसको मैंने मथकर छाछ बना लिया है, गाढ़ी छाछ। आप चाहे तो आधा लीटर छाछ भी ले सकते हैं। सबसे पहले हम 2 बड़े चम्मच बेसन लेंगे। मैं 2-3 लोगों के लिए बना रही हूँ, तो 2 बड़े चम्मच बेसन बहुत है, आप अपने अकॉर्डिंग बनाएं। और इसको हम पानी से घोल लेंगे। पहले हम क्योंकि पहले इसको इसलिए घोल रहे हैं जिससे इसके लम्स ना रहें एक भी, और बिना कोई लम्स के एकदम अच्छी घोल बन जाए बेसन का और पानी का। डायरेक्ट इसको दही में मिलाएंगे तो एक आध गुठली रह जाती हैं। ये देखिए, अच्छे से हमने इसको मिक्स कर लिया। अब हम इस घोल को अपने दही वाले मिक्सर में, चाहे छाछ में, मिक्स कर देंगे। और थोड़ा सा पानी डाल के इसको और बेसन को अच्छे से मिक्स कर देंगे छाछ में। और छाछ तो खट्टी ही अच्छी लगती है, तो थोड़ा सा खट्टा दही लें, दही या छाछ जो भी लें। ये देखिए, कढ़ाई में मैंने 1 बड़ा चम्मच सरसों का तेल गरम करने रख दिया है। और ये मैंने पचफोरन लिया है। पचफोरन में हमेशा आपको बताती हूँ, जिसमें जीरा, राई, सौंफ, अजवाइन और दाना मेथी होती है, वो हम इसमें डालेंगे। इसको अच्छे से चटकने देंगे। जब ये चटकने लग जाएगा तब हम इसमें ये प्याज डाल देंगे। और प्याज डालकर हम अच्छे से भूनेंगे प्याज को। इसमें हरी मिर्च भी डाल देते हैं। ये कढ़ी बहुत टेस्टी लगती है, रोटी के साथ, चावल के साथ, किसी के भी साथ खा सकते हैं आप इसको। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। आज हमारी थोड़ी थोड़ी भुनना शुरू हो गई है, अब हम इसमें ये आलू डाल देंगे। अगर आपका कच्चा आलू है तो आप पहले आलू को डालें, आलू थोड़ा सा पक जाए जब प्याज को डालें। मेरा उबला हुआ आलू है, अब आलू को भी हम थोड़ी देर भूनेंगे। अब हम इसमें थोड़ी सी हींग डालेंगे। धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, अच्छे से भून गया। अब हम गैस कम कर देते हैं और इस छाछ को, बेसन मिली छाछ को हम इसमें डाल देंगे और अच्छे से चलाएंगे। आप इसको जितने गाढ़ी पतली रखना चाहें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। मेरे यहाँ थोड़ी सी पतली खाते हैं तो इसलिए मैं थोड़ी पतली बनाऊंगी। अब मैंने, मेरा जो दही था वो 1 कप के करीब दही था, तो उसमें मैंने कम से कम 1-1.5 गिलास पानी डाल दिया है। और अभी मैंने इसमें नमक नहीं डाला है, क्योंकि नमक डालने से दही हमारी फट जाती है।
नमक हम जब डालेंगे, जब इसमें एक बॉईल आ जाएगा, मैं थोड़ा सा पानी और डालूंगी बस। अब इसको हम बॉईल होने देते हैं। आप ये मत सोचिएगा कि ये थोड़े जल गए थे मसाले, जले नहीं थे, अच्छे से भुने हुए हैं। भुना शुरू हो गई है, अब हम इसमें नमक डाल देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग। एक चम्मच के करीब मैंने इसमें नमक डाल दिया है और हम इसको खूब अच्छे से बॉईल होने देंगे। मीडियम आंच पर उबलने देंगे हम इसे। हमारी कढ़ी अच्छे से बॉईल हो गई है, साइड में से इसका कलर आपको दिख रहा होगा। आप इसमें हरा धनिया ज़रूर डालिएगा, हरे धनिया का इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आता है। मेरे पास इस वक्त नहीं है हरा धनिया। ये देखिए एकदम भुने हुए प्याज और आलू के साथ ये बहुत टेस्टी लग रही है। अब हम इसको निकाल लेते हैं। अब फिर हम इसका तड़का लगाएंगे। तड़का पैन मैंने रख दिया, इसमें एक छोटा चम्मच ऑयल डाल दिया है, एक चम्मच सरसों के दाने, पकने लग गई है। अब हम इसमें कड़ी पत्ते डाल देंगे। और ये एक छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, जिससे बहुत अच्छा कलर आएगा। अब हम तड़के को एक कढ़ी के ऊपर डाल देते हैं। तो तैयार है टेस्टी मज़ेदार आलू की कढ़ी। आप इसको बनाइए और ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू।